रक्षाबंधन से पहले महिलाओं और बेटियों को मिलेगी बड़ी सौगात। सरकार खाते में भेज रही मोटी रकम। अभी जान लीजिए पूरी योजना और उठा लीजिए सरकार के द्वारा चालू की गई इसी योजना का लाभ और हो जाइए मालामाल। फोन पर एक क्लिक करते ही हर महीने आपको मिलेगी मोटी धनराशि। अब किसी के भी घर की आर्थिक व्यवस्था नहीं होगी चरमर। भारत सरकार ने आने वाले रक्षाबंधन से पहले भारत की महिला और बेटियों को इतनी बड़ी सौगात दे दी है कि अब हर घर में रक्षाबंधन से पहले मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सरकार महिलाओं के खाते में डायरेक्ट हजारों रुपए डालने जा रही है। आज हम आपको इसी खबर को सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे और साथ ही ये भी समझाएंगे कि ये लाभ किसको कितना मिलेगा और किस प्रकार। तो खबर ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि सरकार के द्वारा शुरू की गई इस स्कीम का लाभ आप भी उठा पाए। दरअसल जहां एक तरफ संसद में वाद विवाद का घमासान छाया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कुछ दिग्गज नेता जनता को लाभ देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं नेताओं में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। दरअसल इन्होंने लाडली बहन योजना के तहत अपनी बहनों को 3,000 रुपए तक देने का वादा किया है। चुनाव से पहले लाडली बहनों के खातों में 5 किश्तें पहुंच जाने की बात कहते हुए बड़ा लाभ देने की बात कही है। मिली जानकारी के अनुसार चुनावी साल में आ रहे रक्षाबंधन के त्योहार प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपहार दे सकते हैं। इस योजना के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान रक्षाबंधन के पर्व पर लाडली बहनों की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,250 रुपए कर देने की बात भी सामने आ रही है। शिवराज सिंह चौहान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना को लेकर प्रदेश में बीजेपी खासी उत्साहित है। इस योजना की शुरुआत में 1,000 रुपए से इसकी शुरुआत की गई, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहनों से वादा है कि वे इस राशि को 3,000 रुपए तक ले जाने का सार्थक प्रयास करेंगे। योजनाओं को लेकर ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि रक्षाबंधन पर्व के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को उपहार स्वरूप इस राशि को बढ़ाकर 1,250 रुपए की घोषणा कर देंगे। इस घोषणा के बाद ही सितंबर महीने में लाडली बहनों के खाते में 1,250 रुपए की राशि आएगी। हालांकि इसके अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आए हैं। हालांकि इसको लेकर बीते दिनों सीएम शिवराज ने कहा था कि लाडली बहना योजना के तहत पहले 1,000 रुपए और फिर इस राशि को बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दी जाएगी, बाद में 1,500 और फिर 1,750 और आखिर में 3,000 रुपए राशि कर दी जाएगी। इसी दौरान उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहनों के खातों में 5 किश्तें पहुंच जाएंगी। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए अपने खजाने खोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह की लुभावनी योजनाएं वादों के रूप में ला रही है। इसी का परिणाम है कि कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना लागू करने की बात कही है। इस योजना को लेकर कांग्रेस दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनते ही वह हर महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए हर महीने डालेगी। खैर, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली राशि से लोगों की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा, तो वहीं जो बेटियां धन की कमी के कारण पढ़ लिख नहीं पाई उनको एक नया आयाम मिलेगा और साथ ही भारत में महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। आप किस राज्य से हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपके राज्य में इस तरह की योजना शुरू होनी चाहिए? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।